ये चटनी हो और ये चावल हो और इसमें इसको जो है मिक्सचर बन जाए और भाई जी भाई चम्मच रेडी हो और इसमें गोश्त कहना चाहते हैं क्या हुआ ये भैया इस टाइम सब कुछ भाई प्रोग्राम उड़ गया इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के व्लॉग में हम दोबारा खाने को एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं और इंशाल्लाह कराची के शहर में रहते हुए पठानों का खाना खाएंगे और उसके साथ ही दूसरा काम देखते हैं। अगर बार बार फ्री हुआ ना तो ये बाल वाल दाढ़ी वाड़ी उससे कटवा लेते हैं। यार कसम से मेरी ऐसी हालत हुई हुई है कि आज तो मैं सारा दिन खुद को देख देख के परेशान हो रहा हूँ। इतने तो मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, मेरे बाल बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन लेट्स गो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग कुना मटाटा। ये हम पहुंच गए दोबारा से पहलवान कोट। लेट्स रॉक एंड रोल इन द मार्केट। तो देखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन सबसे पहले जाते हैं बाल कटवाने के लिए, उनसे पूछते हैं कि सीन्स कैसे है, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखना पड़ रहा है, देखो बस सब बंद हो रहा है। लेट्स कम ऑन। बहुत लेट हो रहा है, कहते हैं 11 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल आ जाओ। सो ये काम कल पे पोस्टपोन हो गया, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी नाउ इट्स पार्टी टाइम, मतलब गाने का टाइम हो रहा है। चलो चलते हैं। लोग इस जगह को तो जानते ही होंगे, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमने सीन स्वीट खाए थे, एज यू ऑल कैन नो यहाँ पर सीख लगे होते थे। लेकिन मैं अभी इतना लेट आया हूँ। एक तो ऊपर से आज मंगल का दिन है, तो मंगल के दिन गोश्त नहीं होता, तो सीख भी ख़त्म और पुलाव भी ख़त्म होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है। यकीन करो कि बस वो आखिरी जो लुक में रह गए ना, वो मेरे नसीब के है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन है बहुत कम। एक ही प्लेट, मतलब दो प्लेट बचे हुए, और दोनों में ले लूँगा। अनिल साहब पुलाव रहा था वो खाया, ये देखिए माशाल्लाह, बस ये इतना ही बचा है और बस यही आज मैंने खाना है यहाँ पर। गोश्त इसका भी ख़त्म हो चुका है और सीखों का भी ख़त्म हो चुका है। बट इट्स यू नो, जो नसीब में लिखा हो इंसान को वही मिलता है। सो लेट्स कम ऑन, आज इसी को एंजॉय करते हैं। ये आपके साथ टेस्ट शेयर करता हूँ एंड आई नो आई विल नेवर रिग्रेट माय दिस डिसीजन। हकुना मटाटा, इससे पहले जो हम यहाँ पर आए थे ना, तो उस वक्त इनके पास पुलाव नहीं थी, सीख थे, और आज सीख भी नहीं है और पुलाव को भी ख़त्म ही समझो। लेकिन वो वही है जो कि हमारे नसीब में हमको मिलना है, बस हकुना मटाटा। कहना चाहते हैं क्या हुआ ये भैया, इस टाइम सब कुछ बाइक प्रोग्राम उड़ गया इस टाइम। प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो भाई जी अब इसको ऐसे ही इंजॉय करते हैं, लेट्स गो। ये भाई जी माशाल्लाह हमारी पुलाव पहुंच रही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। बस आज हमारे नसीब में जो है वो हमारे सामने है। तो भाई जी वैसे तो बहुत मज़ेदार ये डिश होती है, इसके ऊपर गाजर होते हैं, मेवा होता है, चना होता है, गोश्त होता है। लेकिन लेट्स ट्राई दिस। और मुझे जो स्मेल आ रही है ना, यकीन करें आई कांट शेयर इट विद यू। यार यकीन करो ना, कसम से जो टेस्ट है ना यार, मैं नहीं बता सकता, बस मुझे खाना है। और अगर ऊपर से ये चटनी भी डाल लो, वाह, ये चटनी हो और ये चावल हो और इसमें इसको जो है मिक्सचर बन जाए और भाई जी भाई चम्मच रेडी हो और इसमें गोश्त हो और चावल हो और ऐसे तुम खाओ, वाह वाह, अलग लेवल का स्वाद है यार, मज़ा आ गया, मज़ा कसम से यार, मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह। पर हमारी कहानी यहाँ पर कहाँ ख़त्म होती है। पठानों का खाना हो और सकाफत पूरी ना हो, ये लो जी अब पहुँच गई। ये माशाल्लाह ग्रीन टी, ये हमारा कहवा पहुँच रहा है, कावा कहवा जो भी तुम कहो। लेकिन इसके बगैर तो हमारा खाना नामुकम्मल होता है। सो लेट्स मी एंजॉय दिस ब्रो। चलो जी पीते हैं, चीयर्स। नाउ इट्स क्लोज्ड अप, सो लेट्स गो बैक होम हकुना मटाटा।